और मोदी सरकार की विदेश नीति की कामयाबी दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत के तौर पर तो सामने आई ही है। इसका एक और प्रमाण है भारत से चोरी की गई कलाकृतियों का विदेशों से वापस भारत आना। देखिए रिपोर्ट। भारत के ऐतिहासिक कलाकृतियों को तस्करी या चोरी कर विदेशों में पहुंचाया जाता रहा है, जो देश की सांस्कृतिक धरोहरों के लिए बड़ी क्षति रही। पीएम मोदी हाल ही में जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो बाइडेन सरकार ने 248 कलाकृतियां वापस कर दी। इससे पहले अमेरिका से 2016 में पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 कलाकृतियां, सितंबर 2021 में 157 कलाकृतियां, जबकि 2024 में 248 कलाकृतियां अमेरिका से वापस भारत लाई गई। अक्टूबर 2021 में 12वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति वापस लाना भी बड़ी उपलब्धि रही। भारत लगातार विदेशी धरती से अपनी सांस्कृतिक धरोहर वापस पाने का प्रयास अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत कर रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और अन्य यूरोपीय देशों से करीब 700 चुराई गई कलाकृतियां वापस लाने की प्रक्रिया में है। पिछले 20 साल में 358 कलाकृतियां भारत वापस लाई गई, जिनमें से 345 मोदी सरकार के दौरान की है। कोहिनूर हीरा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति जैसी भारत की अमूल्य धरोहर अभी विदेशों में है, जिन्हें लूट कर ले जाया गया था। मोदी सरकार की कोशिश ऐसी भी धरोहरों को वापस लाने की है।